इस गंदे लोक में हम क्या नाचें और क्या गावेंगे। हमने जाना सतलोक में, यहां भक्ति करोगे, संयम से रहोगे, संसारिक इच्छाओं में ज्यादा दौड़ मत लगाओ, आपको जो आवश्यक वस्तु होंगी अवश्य मिलेगी। आप ऐसे समर्थ भगवान की शरण में हो। समर्थ का शरण अगहो रंग होरी हो, भाई कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। आप ऐसे समर्थ की शरण में आगे हो कि आपके कोई भी हानि नहीं होगी जब तक आप मर्यादा में रहोगे। देखो, आपने कनेक्शन ले लिया परमात्मा का, नाम ले लिया दास से, तो आपको पावर का कनेक्शन मिल गया। और जब आप किसी कारण से कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, कट गया, तो परमात्मा वो पावर वाला काम बंद हो गया आपका, ना पंखा चलेगा ना ट्यूब जलेगी, तो आनी होगी फिर। ये अध्यात्म मार्ग का एक ऐसा सिस्टम है कि आप एक इन्वर्टर हैं और दास ने आपका चार्जर लगा दिया। अब आपने महीने दो महीने छह महीने भक्ति कर ली, फिर बकाई मारकर चले गए, आपके बैटरी चार्ज होगी यहां सत भक्ति दान धर्म करने तय, और फिर आप भक्ति भी छोड़ देते हो और इधर उधर भटकते रहते हो, फिर भी आपको कुछ ना कुछ राहत सुख और मिल रहा है। तो ये भ्रमित हो जाता है इंसान कि मैंने वो नाम भी छोड़ दिया, मैं फिर भी सुखी हूं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो बैटरी यहां दो, या तो एक नाम का भी जाप आपको गढ़ा सुखी कर दे, और आप तो बहुत गढ़े कर लेते हो दो चार महीने में, और सतनाम भी प्राप्त हो जाता है, फिर भी भ्रमित हो गए, तो आपको और घनी हानि न होगी कि आपके पास पूंजी तो यहां की इकट्ठी करी हुई बैटरी चार्ज होगी चार पांच छह महीने, और आप भ्रमित होकर चले गए किसी और पंथ में, वहां सुख भी होंगे क्योंकि वो अभी बैटरी यहां से जो कमाई करी वह साथ चलेगी, तो वो आपका सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। और फिर भी दुर्गति होगी। दास ने खूब देखा है, सन 1994 से दास दीक्षा दे रहा है गुरुदेव के आदेश अनुसार, और उस समय जो नाम लेते थे, कोई एक वर्ष भक्ति करता था, कोई दो वर्ष करते थे, ज्ञान ये वेदों और गीता वाला ज्ञान तो दास को 2001 में प्राप्त हुआ है। उससे पहले तो परमात्मा की वाणी से ही ज्ञान सुनाता था और लाभ भी खूब होते थे। अभ्रमित कर दिया उनको, वो चले गए छोड़ छाड़ के। अब दास देख रहा है कि 10-10 वर्ष में ब्रह्म मट्टी करवा के दुर्गति करा के वापस आने लग रहे हैं, ना कर रहे हैं, सर्वनाश करा लिया। अब पहले वो ये समझते थे कि हमने नाम भी छोड़ दिया, वहां की न्याराय है, हम ठीक है अपना जैसे भक्ति ये करते रहेंगे, जो नाम ले रखे ये कर लेंगे, घर पे कर लेंगे, और जाते रहे दूसरे स्थानों पर, जैसे कबीर पंथ के अन्य स्थान है, छुडानी है या कहीं और है, वहां जाते रहे। उनकी फिर वो जो बैटरी थी वह डिस्चार्ज होनी थी, जो यहाँ भक्ति करी साल दो साल, और फिर उनके वो भूत लगे नाचने, अब दोबारा आकर नाक रगड़ रहे यहाँ पर दुर्गति करवा करा के। दास को तो पहले पता था कि और ठिकाना नहीं धरती पे, ये कहीं भटक लियो रो पीट के आना पड़ेगा यहाँ पे, और नहीं तो खत्म हो जाएंगे फिर ये, और कोई बचाने वाला नहीं पृथ्वी पे।